हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यदि हम फ़ोन पे पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर रिचार्ज करते हैं या फिर कोई ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो यदि उनमें कोई इशू आता है। मान लिया हमने कोई ट्रांजैक्शन करा और हमारा ट्रांजैक्शन का बैलेंस कट गया और वो एंड यूजर तक नहीं पहुंचा है, या फिर हमने रिचार्ज किया, रिचार्ज होने के बाद वो रिचार्ज सक्सेसफुली नहीं हुआ है और तब भी हमारा पेमेंट कट गया है, या फिर यदि हमने ट्रेन टिकट कैंसिल कर दिया है और कैंसिल करने के बाद हमारा रिफ़ंड नहीं आ रहा है, तो इन सभी इशू से रिलेटेड हम फ़ोन पे को कैसे कंप्लेन करें और अपना रिफ़ंड कैसे वापस लें। तो हमने फ़ोन पे ऐप ओपन कर लिया है, उसके बाद हम ऊपर जो एक क्वेश्चन का साइन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे किस लैंग्वेज में हम कंप्लेन करना चाहते हैं, तो मान लिया हम इंग्लिश में ही करना चाहते हैं। उसके बाद इशू विद द ट्रांजैक्शन इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इशू है। उसके बाद हमें किस ट्रांजैक्शन में इशू है उस ट्रांजैक्शन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो मान लिया हमें ट्रेन से रिलेटेड है तो IRCTC ऐप UPI इसे सेलेक्ट कर लेंगे। हम चाहते हैं ट्रेन का रिफ़ंड, यानी जो ट्रेन टिकट बुक किया है उसका रिफ़ंड, तो IRCTC ऐप UPI इस पर क्लिक कर देंगे और हमने इस ट्रांजैक्शन को सेंड कर दिया है। उसके बाद नीचे इशू दिखा रहा है आपको कौन सा इशू आ रहा है, तो इनमें से हमें कोई इशू नहीं, केवल हमें रिफ़ंड चाहिए, तो हम अदर ऑर्डर रिलेटेड इशू इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई डिडंट गेट द ऑर्डर या ऑर्डर वाज कैंसल्ड, तो ऑर्डर वाज कैंसल्ड इस पर क्लिक करेंगे। तो नीचे दो ऑप्शंस आ रहा है, मर्चेंट हैज सेंड रिफंड या आई डिडंट कॉन्टैक्ट मर्चेंट, तो नीचे क्लिक कर देंगे आई डिडंट कॉन्टैक्ट मर्चेंट। उसके बाद ये हमारी जो टिकट है वो क्रिएट हो चुका है, यानी जो कंप्लेन टिकट है वो क्रिएट हो चुका है, ये कह रहा है ओके दिस केस आई रिक्वेस्ट यू चेक योर स्टेटमेंट और रिफंड कंफर्मेशन, तो ये हमारी जो कंप्लेन है वो चेक कर ली जाएगी लगभग 24 घंटे के अंदर और हमारे पास रिप्लाई आ जाएगा, तो इस इश्यू को फ़ोनपे के द्वारा सॉल्व कर दिया जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि हमारा टिकट सक्सेसफुली लगा है या नहीं लगा है, तो हम वापस जाएंगे अपने होम पेज पर, उसके बाद ऊपर जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है फिर से उस पर क्लिक करेंगे और व्यू टिकट इस पर क्लिक करेंगे, तो हम इस प्रॉब्लम का स्टेटस यहाँ चेक कर सकते हैं। व्यू टिकट में आके जो भी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो यहाँ स्टेटस में दिखाता रहेगा। तो इस प्रकार हम ट्रांजैक्शन और रिफंड से रिलेटेड कंप्लेन फ़ोनपे को भेज सकते हैं।